अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद ब्यूटी। मैं हूं ऐना। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, चिल्ड और रिफ्रेशिंग छह मुख्तलिफ तरह के मिल्क शेक्स बनाना सिखाऊंगी। गर्मियों के मौसम में स्पेशली रमज़ान में ठंडे रिफ्रेशिंग और हेल्दी मिल्क शेक्स बनाकर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें। तो चलिए आज की फर्स्ट रेसिपी की तरफ, चॉकलेट मिल्क शेक। चॉकलेट मिल्क शेक बनाने के लिए आपको चाहिए वनीला आइसक्रीम 2 स्कूप्स या 1/2 कप। वनीला आइसक्रीम की रेसिपी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिल्क ठंडा 1 कप, ड्रिंकिंग चॉकलेट 1 टेबलस्पून, चॉकलेट की पीसेस 5 से 6, आइस क्यूब्स 1/2 कप, चीनी 1 टेबलस्पून। ब्लेंडर में दूध ऐड करें, ड्रिंकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून, चीनी, आइसक्रीम, चॉकलेट के पीसेस और 1/2 कप आइस क्यूब डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। ग्लास को चॉकलेट सिरप से कोट करके ठंडा ठंडा मिल्क शेक सर्व करें। आखिर में ग्रेटेड चॉकलेट और चॉकलेट सिरप से गार्निश कर लें। बच्चों और बड़ों सबका फेवरेट चॉकलेट मिल्क शेक तैयार है। पाइनएप्पल मिल्क शेक बनाने के लिए आपको चाहिए पाइनएप्पल के चंक्स 1/2 कप, बनाना 1, चीनी 2 खाने के चम्मच, ठंडा दूध 1 कप, आइस क्यूब्स 1/2 कप और गार्निशिंग के लिए पिस्ता और काजू। अब ब्लेंडर में तमाम चीज़ों को ऐड करें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। बहुत ही मज़ेदार, ठंडा ठंडा और रिफ्रेशिंग पाइनएप्पल मिल्क शेक तैयार है। पिस्ता और काजू से गार्निश करें। खजूर मिल्क शेक बनाने के लिए आपको चाहिए खजूर 1/2 कप या 15 दाने। खजूर के बीज हटाकर 1/4 कप गर्म दूध में आधे घंटे के लिए भिगो दें। फ्रेश क्रीम 4 खाने के चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, बादाम 8 से 10, आइस क्यूब्स 1/2 कप, गार्निशिंग के लिए खजूर के स्लाइसेस और इलायची पाउडर। खजूर मिल्क शेक बनाने के लिए ब्लेंडर में खजूर और दूध का मिक्सचर ऐड करें, साथ ही मिल्क क्रीम, बादाम 1 खाने का चम्मच, चीनी और आइस क्यूब्स ऐड करके अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। बहुत ही हेल्दी, रिफ्रेशिंग और फुल ऑफ न्यूट्रिशंस ड्रिंक तैयार है। इलायची पाउडर और खजूर के साथ गार्निश करके ठंडा ठंडा सर्व करें। कीवी मिल्क शेक बनाने के लिए आपको चाहिए कीवी 1/2 कप, अंगूर 1/2 कप, दूध ठंडा 1 कप, चीनी 1 खाने का चम्मच, शहद 2 खाने के चम्मच, गार्निशिंग के लिए काजू और पिस्ता और इसके अलावा आइस क्यूब्स 1/2 कप। ब्लेंडर में ग्रेप्स और कीवी ऐड करें और साथ ही दूध ऐड कर लें। 1 खाने का चम्मच चीनी, 1/2 शहद और आइस क्यूब्स ऐड करके तमाम चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह ब्लेंड कर लें।
बहुत ही मज़ेदार ठंडा और कूल कूल कीवी मिल्कशेक तैयार है। आखिर में काजू पिस्ता और कीवी के चंक्स डालकर ठंडा ठंडा सर्व करें। ड्राई नट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 7 खजूरी ली है, जिनके बीच हटाकर लंबाई में काट लिया है। काजू 8 से 10, बादाम 8 से 10, पिस्ता 8 से 10, रेजेंस यानी कि किशमिश 1 खाने का चम्मच, वॉलनट या अखरोट 1 खाने का चम्मच, दूध 1 कप, चीनी 1 खाने का चम्मच, आइस क्यूब्स 1/2 कप और गार्निशिंग के लिए पिस्ता और काजू। ब्लेंडर में आइस क्यूब डालें और उसके बाद दूध शामिल करें, 1 खाने का चम्मच चीनी और सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें। अब तमाम चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह ब्लेंड करके शेक तैयार कर लें। इस हेल्दी और पावर पैक मिल्क शेक को ना सिर्फ गर्मी बल्कि किसी भी मौसम में बनाकर एंजॉय करें। आखिर में काजू और पिस्ते से गार्निश करके ठंडा ठंडा सर्व करें। बनाना मिल्क शेक बनाने के लिए आपको चाहिए बनाना 2, दूध ठंडा 1 कप, कंडेंस मिल्क 2 खाने के चम्मच। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो ड्राई मिल्क 2 खाने के चम्मच ऐड कर लें। काजू 6 से 7, गार्निशिंग के लिए बनाना के स्लाइसेस और काजू और पिस्ता। ब्लेंडर में आइस क्यूब डालें, उसके बाद दूध ऐड करें, बनाना भी शामिल कर लें और कंडेंस मिल्क ऐड करके अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। बहुत ही हेल्दी, रिफ्रेशिंग और सुपर टेस्टी बनाना मिल्क शेक तैयार है। आखिर में बनाना चंक्स और ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश करके ठंडा ठंडा सर्व करें। बहुत ही क्रीमी, रिफ्रेशिंग, कूल और फुल ऑफ एनर्जी मिल्क शेक तैयार है। आप इन ड्रिंक्स को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल किचन विद ब्यूटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।